देखते हैं कि थाइमस के सामने अकुमो फिर से अपनी पूरी ताकत में खड़ा होता है और वो थाइमस पे कंटिन्यू अपना हमला करता रहता है। थाइमस इस बार अकुमो के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार उसके हमले को रोक नहीं पाता और अकुमो से लगातार पिटता जा रहा होता है। और जैसे ही थाइमस उठने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि अकुमो फिर से उस पर अपना हमला कर देता है। थाइमस अकुमो के हमले को रोक नहीं पा रहा होता। अकुमो को ऐसा करता देखकर जोमान और कोड़ा काफी चौंक जाते हैं। इस पे जोमान कहता है, क्या? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? इसके बाद हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से अकुमो के वार को रोक देता है और उससे कहता है, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम मुझे हर बार हैरान कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, अब जरा इसे संभालो। इसके बाद थाइमस जैसे ही अकुमो पे अपना हमला करता है, हम देखते हैं कि यामोशी अपने आखिरी फॉर्म में आ जाता है और वो थाइमस के हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, थाइमस, इस लड़ाई में अकुमो अकेला नहीं है, तुम हमें भूल रहे हो। इस पे थाइमस कहता है, ओ शायद हाँ, मैं तो तुम सबको भूल ही गया था, लेकिन अब ये भला क्या है? क्या ये तुम्हारी कोई नई ताकत है? ये तो काफी अच्छा लगता है। इस पे यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, तुम भला हमारी बात क्यों नहीं समझते? इसे हम अकेले नहीं हरा सकते, हमें ये मिलकर करना होगा। इस पे थाइमस कहता है, तुम लोग फिर से वही बेकार की कोशिश करने वाले हो, तो ठीक है, क्योंकि मैं अब लड़ाई के लिए तैयार हो चुका हूँ। चलो काफी खेल हो गया, अब थोड़ा इस लड़ाई को गंभीर तरीके से लेते हैं। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, यामोशी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ये मिलकर करना होगा। इस पे अकुमो कहता है, कोड़ा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं कि थाइमस अकुमो पे टूट पड़ता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को डॉच करता है और उससे कहता है, थाइमस, तुम मुझे जैसा सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो फिर से थाइमस पे अपना हमला करता है, लेकिन थाइमस उसे इस बार आसानी से डॉच कर लेता है और उससे कहता है, तुम गलत हो अकुमो, मैंने तुमसे जो कहा था तुम उससे भी काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद थाइमस अकुमो पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि अकुमो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पिट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थाइमस तुरंत कोड़ा पे भी अपना हमला कर देता है। कोड़ा उसे देख नहीं पाता और थाइमस का हमला उसे काफी जोर का लगता है और कोड़ा भी काफी दूर जाके गिरता है। इसे देख के यामोशी कहता है, क्या? इसे देखना तो लगभग नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये बात यामोशी कहता है, थाइमस तुरंत यामोशी पे भी अपना हमला करता है और थाइमस का हमला भी यामोशी को काफी जोर का लगता है। यामोशी किसी भी तरीके से उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी थाइमस कहता है, लगता है तुम भी बिल्कुल अकुमो की तरह थोड़े ताकतवर हो, कोई बात नहीं, जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस एक जोरदार हमला यामोशी पे करता है। यामोशी इस बार उसके हमले को देख नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे क्योगा कहता है, ये तो एक एक करके सबको ढेर करता जा रहा है, वाकई में हम इससे जीत भी सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। इस पे जोमान भी कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, सभी के सभी इसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इस पे थाइमस कहता है, क्या हुआ, तुम सभी सैन सभी से ही ढेर हो गए? मैंने तो अभी अभी लड़ना शुरू किया था। चलो भी जरा और जोर लगाओ, कम से कम मैं तो महान सैन से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। चलो उठो। हम देखते हैं कि अकुमो फिर से उठकर उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन थाइमस उसके हमले को देख लेता है और उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और अकुमो से कहता है, अकुमो, सच में तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, है ना? लेकिन पता है, तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद थाइमस अकुमो पे एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोड़ा बीच में आता है और यामोशी भी तुरंत उसके पास आ जाता है और थाइमस को एक जोर का हिट करता है
लेकिन थाइमस उन दोनों के हमले को डॉच कर लेता है और उन सभी पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि तीनों के तीनों एक साथ काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे थाइमस कहता है, इस लड़ाई में उतना मजा नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि तुम तीन मिलके कुछ तो मुझे टक्कर दे पाओगे, लेकिन तुम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम सब हार चुके हो? इस पे जोबान कहता है, आखिर क्या होगा, सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक उसे सिर्फ छोटी मोटी खरोच ही पहुंचा पाए हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी फिर से खड़ा होता है और उससे कहता है, थाइमस, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम जिसे हासिल करने की बात कर रहे हो, तुम उसे हासिल करने के बाद सब कुछ मिटा दोगे, सब कुछ, सभी कुछ का निर्माण तुम खुद करना चाहते हो, और वो भी फिर से। क्या ये एक ओमनी गॉड का काम है? मुझे बताओ। इस पे थाइमस कहता है, जो चीज बनाई जाती है वो चीज कभी ना कभी जरूर टूटती है ताकि वो बेहतर बन सके, और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तो इस ब्रह्मांड का नियम है। मैंने कुछ गलत नहीं सोचा है, मैं बिल्कुल ब्रह्मांड के नियम के अनुसार ही चल रहा हूँ, समझे? और मुझे तुम ये नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या करना है। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जिसमें सब लोग रहेंगे और कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और वो तुम्हारी इस दुनिया से बहुत बेहतर होगी, और ये दुनिया तुम्हारे गलत ओमनी किंग के गलत फैसले का नतीजा है, और वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारूंगा और सब कुछ ठीक करूंगा, और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक अच्छी सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। इस पे यामोशी कहता है, और ये काम तुम कैसे करोगे? सभी मोटर्स को मारकर तुमसे बेरहम कोई भी नहीं हो सकता। इस पे थाइमस कहता है, हो सकता है, और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, लेकिन तुम तो क्या, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो कि थाइमस को रोक सके, समझे? तभी अकुमो भी फिर से खड़ा होता है और कहता है, थाइमस, अभी भी ये लड़ाई बाकी है। इस पे थाइमस कहता है, अरे वाह अकुमो, तुम फिर से खड़े हो गए, लगता है मैंने तुम सबके साथ थोड़ा सा नाजुक व्यवहार किया है। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा दर्द और बढ़ाते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि थाइमस यामोशी पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन अकुमो बीच में आकर उसे एक जोरदार हिट करता है, लेकिन थाइमस उसके हमले को डॉच करता है और उससे कहता है, तुम सब बेकार की कोशिश कर रहे हो, मेरे सामने इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है। थाइमस उन दोनों पे फिर से एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि दोनों रोक नहीं पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे कोड़ा कहता है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। तभी यामोशी उठता है और कहता है, हमें उस पे एक साथ अपना सबसे ताकतवर हमला करना होगा। इस पे कोड़ा कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस पे थाइमस कहता है, क्या तुम सभी एक साथ मिलकर मुझ पर अपना सबसे ताकतवर हमला करने वाले हो? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे डॉच करने की कोशिश नहीं करूंगा, देखते हैं तुम्हारा हमला मुझ पर कितना असरदार होता है। इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, चलो एक साथ सब अपना हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर थाइमस पे अपना एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी के हमले से थाइमस को कुछ भी नहीं होता, और थाइमस कहता है, ये हमला थोड़ा ठीक था लेकिन उतना भी मजेदार नहीं। इस पे यामोशी कहता है, इसे अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन कैसे? इस पे थाइमस कहता है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें अब कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद थाइमस उन सभी पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इसमें थाइमस कहता है, ये क्या, ये सभी तो एक बार में ही ढेर हो गए, क्या मैं तुम सबको अब खत्म कर दूं? इतनी जल्दी नहीं, अभी भी इस लड़ाई में और भी साइंस बाकी है। इसमें थाइमस कहता है, क्या
अब तुम भला कौन हो? इस पे वो शख्स कहता है, इस यूनिवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सन गोकू।